आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक गजब की चेस ट्रिक जिसका नाम है स्टेफोर्ड गैम्बिट। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गिरी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आप चेस ट्रिक सीखना चाहते हो और अच्छे प्लेयर बनना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। e4, e5, Nf3, Nf6, ये होता है रशियन गेम। यहाँ पे नाइट पॉन को मारता है, हम खेलेंगे हैं Nc6 पॉन को ना मारते हुए, और हम ओपोनेंट को ऑफर कर रहे हैं कि वो उसको एक्सचेंज करे, और वाइट पहले से ही एक पॉन ज़्यादा है उसके पास तो वो मारेगा ही। तो नाइट कैप्चर c6, डी कैप्चर c6। अब उसका पॉन जो है वो अनसपोर्टेड है, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो वो या तो d3 खेलेगा या तो e5 खेलेगा। तो हम दोनों भी वेरिएशन में पूरा गेम देखेंगे। अगर उसने d3 खेला तो हम खेलेंगे बिशप c5, वो खेलेगा बिशप g5, और हम यहाँ मार देंगे इस पॉन को बिना डरे। और यहाँ पे हम अपना पीस सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो है क्वीन। अगर उसने हमारे क्वीन को लिया तो हम मारेंगे बिशप f2 चेक, वो खेलेगा किंग e2, हम खेलेंगे बिशप g4 चेकमेट। तो ये होता है जब ओपोनेंट इस ट्रैप में फंस जाता है। अब हम पीछे जाएंगे और देखेंगे अगर उसने पॉन से मारा तो हम क्या करेंगे। हम यहाँ खेलेंगे बिशप से f2 चेक, वो किंग से मारेगा और हम उसका क्वीन ले लेंगे। अगर उसने किंग से नहीं मारा, किंग खेलेगा अगर e2 पे, तो हम खेलेंगे बिशप g4 चेक, अब उसको मारना ही पड़ेगा f2 पे, वो किंग से मारेगा और हम उसका ले लेंगे क्वीन। तो हम वापस देखते हैं यहाँ पे और एक ऑप्शन है, जब हम नाइट से पॉन मारते हैं तो उसके पास एक मूव और है, वो है बिशप e3 पे। अगर वो बिशप e3 खेलेगा तो हम इस गेम को कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ मार देंगे बिशप से e3, वो खेलेगा fe3, और हमारा क्वीन का डायगोनल जैसे कि आप देख रहे हैं वो खुल चुका है। तो हम यहाँ खेलेंगे क्वीन h4 चेक। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो किंग e2 खेले और या तो वो g3 खेले। अगर वो किंग e2 खेलेगा तो हम क्वीन f2 चेकमेट कर देंगे, अगर वो g3 खेलता है तो हम सिंपली इसको मार देंगे। क्यों मारेंगे? अगर वो पॉन से मारता है तो हम उसका रुक मार देंगे, अगर वो नहीं मारता है उसके पास एक ऑप्शन और है, वो खेलता है रुक g1। अगर रुक g1 खेलेगा तो हम फिर से नाइट e4 आके चेक देंगे। अब वापस से दो ऑप्शन है, या तो वो रुक g3 खेले या तो किंग e2 खेले। अगर किंग e2 खेलेगा तो हम क्वीन f2 चेक मेट कर देंगे, इसलिए वो खेलेगा रुक g3। अब रुक g3 पे हम क्या करना है, हम उसको नहीं मारते हुए हम खेलेंगे क्वीन इंटू h2। क्वीन इंटू h2 का ये आइडिया है कि अब हम क्वीन f2 चेकमेट करेंगे, तो इसलिए वो खेलेगा रुक g2। रुक g2 का ये आइडिया है कि वो हमारे क्वीन को अटैक कर रहा है। तो अब यहाँ से हम खेलेंगे क्वीन h4 चेक, वो खेलेगा किंग e2, और हम अपना जो बिशप c8 पे कुछ नहीं कर रहा है उसको हम बाहर निकालेंगे और चेक देंगे g4 से। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है तो वो सिर्फ मार सकता है g4 को, और हम कर देंगे क्वीन f2 चेकमेट। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे वेरिएशन की ओर। अब अगर वो e5 खेलता है तो हम कैसे कंटिन्यू करेंगे। अगर वो e5 खेलता है तो हम खेलेंगे नाइट e4। यहाँ पे अभी नाइट e4 कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो चुका है, तो वो खेलेगा उसको भगाने के लिए d3। अब d3 का ये है कि अब नाइट को भागना होगा, अगर नाइट नहीं भागेगा तो हमारी नाइट को मार देगा। पर हम यहाँ बिना डरे हम खेलेंगे बिशप c5 पे। बिशप c5 से एक ट्रैप वापस सेट हो गया है कि हम f2 को अटैक कर रहे हैं। अगर उसने हमारा नाइट मार दिया तो ये हमारे ट्रैप में फंस गया।
कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। हम मारेंगे बिशप एफ टू चेक। अब फिर से उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो किंग ई टू खेले या तो किंग से बिशप को मार दे। अगर उसने किंग ई टू खेला तो हम खेलेंगे बिशप जी फोर चेक, और अब तो मारना ही पड़ेगा और हम ले लेंगे उसका क्वीन। अगर वो किंग से पहले ही मार देता है एफ टू को तो भी हम मार देंगे उसका क्वीन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।